नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाई, यह चैनल आप ही का चैनल है। यह चैनल मेरे प्रत्येक भारत के किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। और जैसे जैसे मैं खेती करता हूं, वैसे ही मैं आपके लिए कृषि के वीडियो, उस खेती का वीडियो मैं बना देता हूं। किसान भाइयों, जैविक खेती इतनी लाभदायक है कि किसान की हर कामना पूरी कर देती है, हर इच्छाओं को पूरा कर देती है जैविक खेती। क्योंकि इस खेती के अंदर लागत कुछ ना के बराबर है और फायदा बहुत ज़्यादा है। अब आप देख रहे हो, ये एक डेढ़ दो बीघा टमाटर है मेरे, और ये डेढ़ दो बीघा टमाटर है मैंने साड़ियाँ लगा के, और सर्दी के टमाटर है अभिलाष टमाटर, अगस्त के अंदर लगाया था। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, चूने की मात्रा डाली है मैंने, सरसों की खड़ी की मात्रा डाली है इसके अंदर। बीघे का 50 किलो चूना डाला है, 50 किलो सरसों की खड़ी डाली है, इनको कूट के पाउडर बना के वो डाला है, और इसमें 50-60 किलो जिप्सम डाला है, और छाछ होती है लस्सी, अपने घरों में पाई जाती है, वो भी डाली है मैंने इसके अंदर। और स्प्रे के अंदर लेते हैं तो इसका नीम ऑयल का स्प्रे किया है, छाछ का स्प्रे भी किया है, वेस्ट डिकम्पोजर भी डाला है इसके अंदर, वेस्ट डिकम्पोजर का भी स्प्रे करा है, जड़ों में भी दिया है। तो ये जैविक खेती का रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट कितना अच्छा है। ये देख लीजिए, ये टमाटर का प्रोडक्शन है हमारा। जैविक खेती से टमाटर का जो प्रोडक्शन है, वो साइज टमाटर की, ये टमाटर मोटी होगी, साइज टमाटर की भारी टमाटर रहेगा। साइज ऐसी है कि ग्रीन हाउस का टमाटर भी इसके सामने फेल है। ये देख लीजिए, किसान भाइयों को जूम करके दिखो थोड़ा। साइज में कोई कमी नहीं है, और मंडी के अंदर जो क्वालिटी सही रहती है टमाटर की, वो तुरंत बिक जाती है। मैंने कुछ कुछ टमाटर को, कच्चे टमाटर को भी तोड़ लिया, इसलिए तोड़ लिया है क्योंकि इसमें फटने की बीमारी आ गई है। ज़्यादा टमाटर मोटा हो जाता है तो वो क्या फट जाता है टमाटर, इसलिए इसको एक रात रखूँगा, दूसरे दिन इसको 24 घंटे बाद में इसको बेचूँगा मंडी के अंदर ले जाके, तो 24 घंटे के अंदर ये पड़ा पड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा। और इसका जो साइज टमाटर का आप देखते रह जाओगे, आप साइज देखो, आप साइज बहुत ही अच्छी साइज है इसकी। ये जैविक खेती का रिजल्ट है मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती का रिजल्ट है। बात यह है कि किसानों की दिमाग के अंदर ये कंपनियां, जहर की जो कंपनियां होती है, रासायनिक कंपनियां होती है, और ये दुकानों वाले होते हैं, ये किसान भाइयों की दिमाग के अंदर बस रासायनिक रासायनिक बेटा दिया। तो किसान भाई क्या है कि रासायनिक के पीछे भागने लग गए, वो भूल गए जैविक खेती करना। तो मेरे किसान भाइयों, आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि जैविक खेती के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कभी भी आप टमाटर की फसल लगाएं तो उसके अंदर समान मात्रा के अंदर चूना और सरसों खड़ी, जिप्सम, इसका प्रयोग तो जरूर करना चाहिए। और समय समय पे वेस्ट कंपोजर हुआ, छाछ हुई, और भी खीप हो गया, मदार आकड़ा हो गया, सहजन हो गया, इनके पत्ते को उबालो और उनका पानी निरंतर पानी के साथ चलने दो, सिंचाई करो जड़ों के अंदर, और स्प्रे भी कर सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, मैंने बता दिया है ये अभिलाष टमाटर है, और जब मेरे माल मंडी में जाता है तो मंडी वाले ये समझते हैं कि ये पोलियो हाउस का, ग्रीन हाउस का माल है। और 28 जनवरी चल रही है 2020, तो मंडी के अंदर अभी रेट चल रही है, डाउन हो गई है थोड़ा रेट, 4-5 रुपये किलो आ गया है, परंतु मेरा माल फ्रेश होने के अंदर क्वालिटी के ऊपर बिकता है, 8 से 10 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। और फरवरी के अंदर टमाटर के भाव 2020 के अंदर और भी ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए एक कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहूँगा मेरे किसान भाइयों। जैविक खेती ही टमाटर की से पैदावार, जैविक खेती से टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो मैं आशा करता हूँ मेरे किसान भाइयों, ये भारत के किसान की आवाज़ का चैनल है, और प्रत्येक किसानों भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको खेती करने के अंदर सहयोग मिले, मेरा ज्ञान मिले। तो जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।